Mem. नहीं हां फाइट कर जी मैं कुछ थोड़ा बहुत मोदी जी ने स्वच्छ भारत की जो मुहिम चालू की थी जिस पे खरे उतरे दिखे हमारे अफरोज शाह उनको देख के लोगों को कितना सीखना चाहिए जो बीच क्लियर किया था उन्होंने परसों बीच और वही आज बॉलीवुड फर्टिनिटी उतरी है बीस साफ जी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मोदी जी ने 86 वीक्स पे हमें मतलब इतनी तारीफ़ और प्रेज़ दी थी दिल से और उसकी वजह से लोग जाग गए और उन्होंने फिर रियलाइज़ कर लिया कि हम वर्सोवा में दो साल से क्या काम कर रहे हैं और वरना पहला जो एक साल था वो काफ़ी हाय हेलो कम ऑन ये हमारे दोस्त हैं वो पहुंच गए हैं बाकी बांदा सो रही है तो वी विल स्पीक तो आई थिंक दैट आई वाज टेलिंग देम कि मैं एक साल से अफरोज शाह के साथ काम कर रही थी वर्सोवा बीच पे एंड आई थिंक मैंने उनसे एक ही काम सीखा है कि कंटिन्यूटी जो होती है कंसिस्टेंसी जो होती है और एक सेंस ऑफ कम्युनिटी के बगैर कुछ काम नहीं हो सकता है तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द टू द पीएम फॉर एक्नॉलेजिंग एंड गिविंग अस द काइंड ऑफ पैट ऑन द बैक दैट वी नीडेड एट 86 वीक्स एंड दैट इन फैक्ट वोक अप एवरीबॉडी बट आई थिंक कि अफरोज जो है वो मेरे लिए एक मसाया है क्योंकि उन्होंने जो काम शुरू किया है अगर हम सारे जो सिटीजन हमारे अंदर एक अफरोज जगा दे रहे तो दुनिया बहुत एक स्वच्छ और सही जगह हो जाएगी ये आपको कब लगता है कि ये खत्म हो पाएगा जो जिस तरह से ये डस्टिंग आपको क्या लगता है कब खत्म होगा ये कब खत्म कभी होगा ये प्रॉब्लम वही मैं कह रहा था कि 130 करोड़ लोग हैं तो जब तक हम सब जागरूक नहीं होंगे साफ करने वालों से ज्यादा गंदगी करने वाले लोग हैं तो वही वो जिस दिन चेंज होगा आई थिंक तब अगर आप बीच पे आके खुद कचरा उठा नहीं सकते फाइन वी गेट दैट बट एटलीस्ट स्टार्ट डिस्पोजिंग योर गार्बेज विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने स्टाफ को अपने आप को एजुकेट कर लें और आपके प्लास्टिक जो है कहाँ जा रहे हैं वो कभी अभी आपने सोचा है तो हमने बोट लेके पूरे सॉस तक गए थे वी वेंट टू मलाड क्रीक और मलाड क्रीक में अगर आप जाएंगे और देखेंगे लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स से और मलाड से जहाँ पे वो सारे बड़े बड़े मॉल्स हैं और हमारी बॉलीवुड जो है वहीं पे बेस्ड है वहाँ पे काला पानी है और फ्लेमिंगोज भी हैं फ्लोरा एंड फौना भी है मगर मैंग्रोव जो है चोक्ड है और काला ब्लैक सुवेज है हमारे 10 मील के रेडियस से बॉलीवुड तो ये तो बहुत दुख की बात है तो जब तक हम लोग ये ट्रिब्यूटरीज और ये नाले को साफ नहीं करेंगे यहाँ पे कुछ नहीं होगा हम डालते जाएंगे कचरा वो ओशन फेंकते जाएगा और हमको साफ सफाई करनी पड़ेगी जैसे आज बहुत बड़ा खास दिन है इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो अपने इंडियन प्लेयर्स के लिए क्या आप दो शब्द कहना चाहेंगे जी मैं हॉकी और सॉकर देखती हूँ क्रिकेट इज नॉट माय फेवरेट स्पोर्ट सॉरी वेरी ब्लास्फेमस थिंग टू से इन इंडिया और मैं हमारे अंदर एक जोक है कि जो गेम ट्राउजर में खेला जाता है वो हम स्पोर्ट्स नहीं मानते हैं हम इसके लिए वी टेक स्पोर्ट्स वेयर पीपल वेयर शॉर्ट्स एंड गेट काइंड ऑफ वेरी वी टेक दोस मोर सीरियसली बट हैविंग सेड दैट आई थिंक इंडिया और पाकिस्तान का मैच हमेशा बहुत ही एक स्पेशल ओकेजन होता है सो आई वुड लाइक टू विश बोथ द टीम्स द बेस्ट बिकॉज़ अगर दोनों शाइन नहीं करेंगे तो मजा कहाँ आएगा वी नीड टू कीप देम काइंड ऑफ दोनों टीम स्ट्रांग है एब्सोल्युटली बट यू नो वो हमेशा लगता है कि सबका भला हो हमारा थोड़ा ज्यादा हो तो बस दैट्स व्हाट आई वुड से सो मे द बेस्ट टीम विन एंड नाउ कैन वी कंटिन्यू क्लीनिंग प्लीज ओके थैंक यू वेरी मच सब आना चाहिए बराबर लेबर अरे चेहरा दिखाओ यार He was behind me with that plastic bag throughout. Thank you. और भी निकाल सकते हो निकालो हाँ. चलो अभी कहाँ जाने का है? वही मेरे पास. We need to have a JCB here. On a regular basis, हाँ. वो थैला ला थैला ला मेरे पास. outside, outside. I mean, if I live alone, I'm gonna be this now. Oh, yeah.
हाँ बस निकलना है।